प्रदान करे। ताली आपकी ओर से हर बार पूरे जोश के साथ जोरदार होनी चाहिए। अपने अपने कार्ड को हवा में लहराकर अपनी खुशियां जाहिर जी का स्वागत है। निरंतर हम ये पौधे के साथ कर रहे हैं, साथ में अंगों से प्रदान कर रहे हैं। तालियां जोरदार हो जी। और ये जो विकास की गतिविधियां हमने शुरू की है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, ये गतिविधि कभी रुके नहीं। दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हो रहा है। और हर गतिविधि में अपनी अपनी भूमिका अदा करने के लिए तैयार है। करना चाहूंगी कि उन्होंने समय को देखते हुए आप अगर आप चारों तरफ इस लेकर विवाह तक और विवाह के उपरांत किसी भी तरीके में इस सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगी कि मानीरथ सिंह मैम। अब मैं अगले संबोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूं प्रसाद महतो जी को। आपके संबोधन के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। आप सभी को जोहार। शिलान्यास उद्घाटन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नए नए योजनाओं के साथ श्री चंपेश्वरन जी के योजना है, इसका जो दायित्व है योजना है जिसमें हमने प्रखंड में बिस्तरी की बैठक में तक कैसे ले जाएं। अभी माननीय मुख्यमंत्री ने नया तो और गठबंधन ने यह प्रयास किया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह होगा, माननीय मंत्री लोगों से आग्रह होगा, किसी किसी घर में तो दो तीन लोगों को पेंशन मिल रहा है। संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक श्री मथुरा प्रसाद महतो जी। योजना एवं प्रशिक्षण तथा उद्योग विभाग झारखंड सरकार श्री, आज आपको बताएं कि कुल 383,70,00,000 की शिलान्यास और उद्घाटन इस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा किया जा रहा है। आप सबकी ओर से जोरदार तालियां होनी चाहिए। आज ये योजनाओं के रूप में सौगातों की बारिश हो रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा। धनबाद जिला के अंतर्गत विभिन्न ये कल्याणकारी योजनाएं, जिन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद दीजिए जी। इस कोयलांचल से विस्थापित हुआ जी, इस कोयलांचल क्षेत्र प्रभावित हुआ, उनका हक, यहाँ का मजदूर, उनका ऊपर में आप हमारी सरकार ने नजर रखा है कि कैसे उसको मजबूती के साथ, और यहाँ का मजदूर चाहे यहाँ का आउटसोर्स मजदूर हो, एक दिन बड़ा ऐसे सहेच्छा नीति लाने का काम करेंगे जाके यहाँ के सभी मजदूर वर्ग के विस्थापित को सम्मान के साथ यहाँ रहने को मौका मिलेगा। ये 2 साल में हमने सबसे अच्छा काम किया, जो अंतिम व्यक्ति जो हम लोग कहते हैं, कभी जंगल के नीचे घर है चाहे जंगल के भीतर गांव है, वहां तक योजना हम लोग पहुंचा दिया है। हर तरह का शिक्षा क्षेत्र में छात्रवृत्ति से लेके मॉडल स्टाइल स्कूल और अभी हर ब्लॉक क्षेत्र में 325 ऐसा मॉडल स्कूल फिर बनने जाएगा, जहां शहर का निजी स्कूल जिस तरह से व्यवस्था पढ़ाई उससे बढ़िया पढ़ाई आपका गांव क्षेत्र में होगा, प्रखंड क्षेत्र में होगा। हर वर्ग के बेटा बेटी को अच्छा शिक्षा देने का हम लोग काम करेंगे। अगला महीना से मुख्यमंत्री बहन बेटी योजना हम लोग शुरू कर रहा है। हर परिवार, हर बहन बेटी को सम्मान के साथ सहयोग राशि मिलेगी। अगला महीना से आप लोग नाम को लिख दीजिएगा, 2 दिन के बाद अगला महीना है।
25 से 50 के बीच में जो भी हमारा बहन बेटी है उनको हर महीना उनको अपना परिवार संसार उसको सहयोग राशि हम लोग देंगे और हर स्वास्थ्य बीमा भी हम चालू करने जा रहा है 15 लाख तक, 15 लाख तक हम लोग अबुआ स्वास्थ्य बीमा योजना हमने अगले महीना से शुरू कर रहे हैं। 15 लाख तक चिकित्सा, जैसे मुख्यमंत्री गंभीर बीमार योजना था उसी को ही हम लोग, ताकि यहाँ का जो आयुष्मान कार्ड से भी वंचित है कुछ, 15 लाख तक वो अपना चिकित्सक का अपना आपसी शरीर को स्वास्थ्य रखने के लिए ये सरकार उतना आपको सहायता देगी, ताकि हमारा कोई भी परिवार बिना चिकित्सा से बिना दवाई से ताकि वो नहीं रहे, वंचित नहीं रहे। उसी तरह पूरा पंचायत एरिया में अभियान चलाने जा रहेगा, हर पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र रहेगा, आपको 24 घंटा वहां दवाई मिलेगी, हर तरह का दवाई। आप सबको हम विश्वास दिलाते हैं जो हम कहते हैं वही करते हैं, यही महागठबंधन का सोच है। हर कोई को मजदूर किसान बेरोजगार के लिए भी 25 लाख तक लिया हमने प्रावधान किया, कोई भी बेरोजगार नौजवान अगर कुछ छोटा बड़ा कुछ कारोबार करना चाहते हैं तो 25 लाख तक लोन ले सकता है, उसमें 40% सब्सिडी है। जो कहते हैं वो करते हैं, और लगातार कुल 23,540 लाभकों के बीच जोरदार होती रहे। इनके बाद आएंगी श्रीमती अमृता, ताली आपकी ओर से जोरदार हो। इनके बाद आएंगे राजकुमारी किसको के बाद चयन पत्र का, तालियां हो से मुख्यमंत्री ग्राम मुख्यमंत्री, और इनके बाद जरूर तालियां बजने वाली। आइए साइकिल वितरण योजना के लाभुक होने चाहिए ऐसे योजनाओं के लिए, गुरुजी क्रेडिट कार्ड, वेद व्यास, और सांकेतिक रूप से ये अंतिम नाम ले रही हूं। तालियों के बीच आज के इस कार्यक्रम की तमाम स्मृतियां, तालियों की गूंज भी रहनी चाहिए, जोरदार तालियां बजाइए। ठीक है, ये थोड़ा सा।